नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं आज भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, मॉनेटरी बेसिस की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफडी के ऊपर। अगर आप लोग अपनी एफडी खुलवाना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपकी किसी बैंक में एफडी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा बैंक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो अगर आप अपनी एफडी कराना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की एफडी कराना चाहते हैं, अपने बच्चों की एफडी कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक ऐसा बैंक देखेंगे जो आपको बेटर रिटर्न्स दे रहे हो, बेटर आपको जो है आपको आपको बेटर इंटरेस्ट मिले उसमें, ताकि आप लोगों को क्या है कि आप लोगों का अच्छा खासा पैसा जुड़ जाए, आप लोगों को साथ में इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाए, तो आप इस तरीके का बैंक देखेंगे। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों, इसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो बैंक है, इसने क्या किया है, अपना इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया है, वो भी एफडी के ऊपर। मतलब पहले जो इंटरेस्ट रेट इनका हुआ करता था, उसने क्या किया है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है एफडी पे। और ये मैं आपको बता दूं, ये स्कीम शुरू भी हो चुकी है ऑलरेडी। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि फाइव ईयर टेन्योर पे आपको मिलेगा 85 बेसिस पॉइंट का जो है वो इन्होंने इंक्रीज किए हैं, वो रिविजन जो है इस बैंक ने की है। तो अब जो कैलकुलेशन अब हमारी बैठती है, तो वो हमें टोटल मिलता है 8.60% का इंटरेस्ट अगर हम 2 या 3 साल तक की एफडी का जो है वो हम प्लान करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, तो उसके ऊपर हमें 8.60% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस बैंक के बारे में सोच सकते हैं, ताकि ये जो है कि नॉर्मल जो बैंक रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के एफडीज के ऊपर, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये आपके लिए बेटर है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये तो थे नॉर्मल जो एफडी आपकी होगी, ये उसके इंटरेस्ट रेट थे 8.60%। अगर आप सीनियर सिटीज़न यानी कि अपने पेरेंट्स की, किसी ओल्ड एज पर्सन की एफडी करवा रहे हैं या वो खुद से अपनी एफडी करवा रहे हैं, तो उस पे तो इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा है। सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर इस बैंक में मिल रहे हैं 9.10% इंटरेस्ट रेट। ऑलमोस्ट अगर ये देखा जाए ना, तो 10% इंटरेस्ट रेट है, 9.10% इंटरेस्ट रेट आपको इस बैंक में सीनियर सिटीजन की अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो उसके ऊपर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है। तो आप अगर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस बैंक में खुलवाना चाहिए, तो आप इस बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इन्होंने स्कीम निकाली है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है इन्होंने अब इंक्रीज़ कर दिया है अपना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट, अगर आप सेविंग्स अकाउंट भी खुलवाना चाह रहे हैं, आप एफडी वगैरह नहीं करवाना चाह रहे, सिंपल आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, तो इस बैंक के पास उसके लिए भी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट है। तो मैं आपको बताऊँ कितने हैं, 7% इंटरेस्ट रेट या फिर उससे ज़्यादा आपको सेविंग्स अकाउंट पे, अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं उसमें अपना पैसा रखते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है हर साल, तो वो यहाँ पर है 7%, जो कि अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट है। वैसे तो अगर हम किसी बैंक में पैसा रखें तो इतना कोई खास इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बहुत है। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये 5 लाख to 2 करोड़ के जो स्लैब्स हैं, ये उन अकाउंट्स की, मतलब जिन अकाउंट के स्लैब 5 लाख to 2 करोड़ तक के हैं, उन अकाउंट्स के लिए जो है परसेंटेज है 7% की इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी कोई प्लानिंग है, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी एफडी ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।